जेडीएस तो अभी पूरा कंप्लीटली वो खत्म हो गया जब मर्ज होने के बाद, बीजेपी में मर्ज होने के बाद उनको कोई बोलने का मौका ही नहीं रहा, तो अभी जेडीएस की बात निकालना ही ठीक नहीं लगता मेरे लिए। अभी हम हमारी फाइट ये बीजेपी से और 100% हम कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा 20 से ज्यादा सीट जीतेंगे और बीदर गुलबर्गा तो 100% सीट है जीतने की। गुलबर्गे की जनता फुल फेवर में है और जरूर एक बार अच्छा रिजल्ट आएगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। देखिए बीजेपी कम से कम 10 साल से इसी तरह से लोगों को गलत बोल के भड़का के आपस में बटवा के कास्ट वाइज करके 10 साल से आप देख सकते हैं, चाहे गुलबर्गा का ही ले लो मिसाल, पूरे कर्नाटक तो अलग बात है, तो कुछ भी नहीं हुआ डेवलपमेंट। तो लोगों को धोखा देने का काम, झूठ बोलने का काम, और इस बार 100% बीजेपी नहीं आ रही, कांग्रेस आ रही। बीजेपी को इस बात का मतलब बहुत फखर, क्या कह सकते हैं, प्राउड है कि जेडीएस अब उनके समर्थन। जेडीएस तो अभी पूरा कंप्लीटली वो खत्म हो गया जब मर्ज होने के बाद, बीजेपी में मर्ज होने के बाद उनको कोई बोलने का मौका ही नहीं रहा, तो अभी जेडीएस की बात निकालना ही ठीक नहीं लगता मेरे लिए। अभी हम हमारी फाइट है जेडीएस से ये बीजेपी से और 100% हम कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा 20 से ज्यादा सीट जीतेंगे और बीदर गुलबर्गा तो 100% सीट है जीतने की। सर गुलबर्गे की आवाम को एक मैसेज चाहिए आपका। मैं गुलबर्गे की जनता बहुत ही जज्बे वाली है या बहुत ही यूनिटी वाली है और यहाँ पे बीदर की गुलबर्गे की जनता खड़गे साहब क्या काम किए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एएसी के अध्यक्ष है, वो गुलबर्गे के लिए 371 हमारे पूरे हैदराबाद कर्नाटक बोलते थे पहले, अभी केकेडी भी बोलते हैं, वो इतना बान इम्पॉसिबल काम हुआ है जो 371 हुआ है, आपके हॉस्पिटल बना है, ISI ट्रेन कितने लगे हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, रोड्स बने हैं, तो सभी 10 साल से यहाँ पे बीजेपी को देख चुके हैं यहाँ की जनता गुलबर्गे की। तो मैं गुलबर्गे की जनता को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार 10 साल का बदला निकालना चाहिए, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ और इस बार हमारे आरके साहब को, राधा कृष्ण साहब को किसी हालत में यहाँ से जिताना चाहिए और हम भी आके यहाँ पे बहुत सा कैनवेसिंग और मेहनत करने वाले हैं। नहीं वहाँ बीदर का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सागर जो खंडरे है ना वो एक नौजवान है और उससे ज्यादा वो एक लॉयर है, ये लोग वो बता रहे नहीं ये लॉयर है बोल के, वो लॉ डिग्री किए हैं और वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का टॉप कॉलेज में क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बोल के है, वहाँ से लॉ कंप्लीट किए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस हुई है, ट्रेनिंग ली है बड़े बड़े लॉयर्स से, एडवोकेट से, और उनके पिताजी भी ईश्वर खंडरे फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनकी भी बहुत सेवा हुई है, और उनके दादा भीमाना खंडरे साहब वो हमारे देश के लिए जब इंडिपेंडेंस था तो उस टाइम उन्होंने फाइट फ्रीडम फाइटर है और वो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो उनकी पूरी फैमिली एक पॉलिटिक्स से आती है, तो वो बहुत ही वेल नॉलेज यूथ है नौजवान, तो इस बार बीदर की जनता उनके फेवर में है, गुलबर्गे की जनता फुल फेवर में है और जरूर एक बार अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सभी को अस्सलाम वालेकुम, पहली बात तो सबको रमज़ान मुबारक। मैं इरशाद खान बात कर रहा हूँ, रहीम खान मिनिस्टर साहब के बेटे, और अभी फिलहाल रिसेंटली मेरे को नेसुआ का स्टेट जनरल सेक्रेटरी बताया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जने वोट कीजिए, ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आपका वोट मायने नहीं रखता, हर एक का वोट, एक एक वोट कीमती है। तो हम इंशाल्लाह ये बार तकरीबन 10 साल से बीजेपी है, उन्होंने बस भेदभाव रिलीजन बेस पे वोट लेते हैं, यहाँ से एक डेवलपमेंट काम से वोट लिए नहीं लिए है अभी तक, कुछ भी करो तो ये है वो है, हम ये कर आगे बढ़ाते हैं। हम अभी इस वक्त जो जनता अभी होशियार है, सही चॉइस लेगी और इंशाल्लाह ज़रूर ये बार हम भी कांग्रेस को बहुत तरीके से मेहनत करेंगे। ये बार अच्छा बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है, MLA रहो कोई भी रहो, कभी भी कांग्रेस पार्टी किसी को दखलंदाजी नहीं किया है और इस बार भी हम इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी को आगे लाएंगे। इतना बोलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करें। सागर खंडे जी को बहुत सभी लगे, वही अभी लग रहा है यंग आदमी को दें, यंग आदमी को दें, पर वो देख रहे हैं कि वो कितने लोग हेल्प किए हैं,
जितने बहुत लोगों को उन्होंने जॉब के सिलसिले में हेल्प किए हैं, बहुत लोगों को कभी भी किसी का एक, मैं अभी भी आप किसी कोई भी अननोन नंबर से फ़ोन लगाइए, उन्होंने अभी भी फ़ोन उठाते हैं, देख रहे हैं युवा नेता हैं कि ये नहीं करेंगे, उन्होंने कितनी सेवा करें ये उम्र में, यंग है और बेस्ट मोर देन यंग इज़ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। आसान मुश्किल की बात नहीं है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जो ज़्यादा नेक है और ज़्यादा डेवलपमेंट बारे में सोचता है वो ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि डजन डिपेंड ऑन सीनियर और जूनियर, जो अपना दिल का साफ है, जो पब्लिक के लिए हमेशा है अवेलेबल वही जीतेगा। ऐसा नहीं कि आप कितनी भी उम्र ले लो, कोई 50 करो 60 करो, अब वो वोटिंग की एज 18 है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो युवा का भी वोट ज़रूरी है या नहीं, बोल के अब युवा भी वोट करते हैं ज़रूरी, तो इस हिसाब से कैंडिडेट का एज देखा नहीं जाता है, वो कैंडिडेट क्या करता है सोसाइटी के लिए, उसका विजन, उसका आगे क्या प्रोसीजर है कि आगे देश को कैसा आगे ले जाएगा। जिसमें तो बहुत करोड़ों युवा है, ऐसा नहीं कि अगर कोई 40-50 साल का सीनियर लीडर है युवा, बीजेपी का एक भी युवा की हेल्प नहीं कर रहा है, तो इस तरह से आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सागर खंडरे दैट ही विल डू वेल एंड ही विल गिव गुड सर्विस टू हिज सिटीजंस। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।